भाई कब्बे ने बीट कर दी। देती है अरे रुक जाओ तुम, बोला करो हमारे बीच में। तो भाभी नहीं बोल सकती तेरी? नहीं। क्यों? ओ भाई पागल। कहीं कहीं देखो मकर संक्रांति को उड़ाते हैं पतंग, हमारे यहाँ बसंत को उड़ाते हैं। बसंत को उड़ाते हैं सब जगह ना, दिल्ली में नहीं उड़ाते बसंत। क्या मंगाया आपने? ट्रैक सूट मंगाया। सुबह सुबह ही खुश हो गए तुम तो, तुम्हारे सुबह सुबह आ गए हैं। कहाँ है? और वो अभी प्रिंस ला रहा है। प्रिंस ला रहा है? इन्होंने तो ओटीपी भी नहीं लिखा है, कैश दे दिया। वो होता है ऐसे तो नहीं होता, हम तो लेते हैं। तो ये कहाँ से मंगाया तुमने? ये मैंने मैशो ऐप से। देख भी लेना, सामान आया भी नहीं आया, चेक कर लिया? नहीं बिल्कुल आ रहा है प्रिंस, चेक कर लो। कभी ईंट पत्थर दे दिया? हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या लड़की अच्छी नहीं, तो अच्छा लग रहा है। ये मंगाया था मैंने, देखो मिला नहीं। ओहो, मम्मी के लिए मंगा लेते हैं सैक। इसमें इससे बड़ा साइज नहीं था। अच्छा हाँ, तो यही आ जाएगा मम्मी के, पतली सी थी हमारी मम्मी। ये चीज नहीं अच्छे लग रहे थे कपड़े। और अभी हम एक वीडियो के लिए जा रहे हैं बाहर। युशराज को भी जाना पड़ रहा है क्योंकि जरूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ युशराज कैसे लग रही है। ये देखो, ये देखो, आता तुम कैसी लग रही है तेरी बब्बी आज? अच्छी लग रही है। और मम्मी कैसी लग रही है आज? खतरनाक। मम्मी ने बहुत अच्छा पा लिया है। मेरे फेस पे ना एलर्जी हो गया दो तीन दिन से। So, आज हम आए देख लो नहर के पास। तो ये कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ पर। अगर तू सीधा जाएगा ना तो दिखाऊंगा वो कहाँ को निकाल लीजिए। हमसे भीड़ देखो कितनी सारी है। तो गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूँ लोकेशन जहाँ पर हम आए हैं। मुझे तो अच्छी लग रही है क्योंकि ये पता है कि ऐसे थोड़ा सा गांव टाइप का है। गांव का है मतलब रास्ता जा रहा है, बराबर में नदी जा रही है और यहाँ पर सरसों के खेत है। मैं बस बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। उधर जो है सरसों के खेत है, ठीक है। ये हमारी कार खड़ी है यहाँ पर, देख के भाई यहाँ पर रोड भी चल रहा, थोड़ा रोड भी चल रहा, नदी आगे भी क्या कुछ। और आज हमारी कार बहुत गंदी हो रही है, बट अभी जाते हैं इसको धुलवा लेंगे। मैं क्या फायदा धुलवाने का, क्या हो जाएगी? अब अंदर से भी वॉश करवानी है। ओ भाई कब्बे ने बीट कर दी। और हमारे ऊपर तो नहीं कर रखी मैंने, इसमें देखी ये टट्टी भी टट्टी है। ये तो टट्टी है, तो ये टट्टी है, ये भी तो टट्टी है। चलो आ जाओ एक दिन ले लो। क्या बनाया आज? दाल नौकरानी लगवा लो। मैं तो मन मन नहीं कर रहा, लगवा लो लगवा लो। मैं तो ख्याल मेरा तो ख्याल रखा हूँ। आज मैं प्लान कर रहा हूँ युशरा पे ना प्रैंक करते हैं। प्रैंक कैसा? हमने सुनाई पड़ेगी युशरा से, मतलब अभी क्या होगा, मैं सोनाली और प्रिंस को दोनों में लड़वाऊंगा। पीछे फिर मैं युशरा भी वहीं होगी और युशरा बोलेगी सोनाली को कि मत लड़ो, और सोनाली युशरा पे ही गुस्सा करना स्टार्ट कर देगी। उसके ऊपर हम प्रैंक करेंगे। और मतलब पहली बार अभी तक तो मैं प्रैंक कर, अगर मैं प्रैंक करूँगा तो वो समझ जाएगी। सोनाली प्रैंक करेंगे तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो अभी मैं सोनाली से बात करता हूँ। कल हमारी बात हुई थी तो वो मैंने कल ब्लॉग में नहीं डाला था, क्योंकि अगर वो ब्लॉग डालता युशरा देखती तो समझ जाती। तो अभी प्रिंस प्रांश ट्यूशन गए, वो आएंगे तभी पूरा प्लान को हम करेंगे स्टार्ट। कमरे ने बीट कर दी माइक ले गया, कैमरा ले गया, कैमरा ले गया, माइक ले गया और लेंस ले गया। तो 5-10 मिनट ठीक है। तुम लड़ना ठीक है,
फिर मैं कहूँगा देखो क्या कर रही है, फिर तुम लेना अपने भाभी को अपना काम करो। हमारी बात है जो भी है ये कर देगी इसके बस। फिर मैं क्या करूँ, मोबाइल रख दूंगा ठीक है, कैमरे पे होता रहेगा। लेकिन ऐसी जगह लगी जहाँ कैमरा फिट हो, बोल देगी थोड़ा सा इधर आने जा रहे, देखना कैसे लड़ रहे पागलों की तरह, देखना इधर आके देखना कैसे लड़ रहे मार मारने के ऊपर। रुको एक सेकंड, रुको आराम से आराम से आराम से, इन्हें सुधारो आज, तुम ही सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं, कहो इन्हें, कहो तो सही, ना मैं नहीं कह सकती, मैं क्या। चलो चलो अरे रुको इन्हें सुधारो जरा, लड़े ऐसे कैसे कर लड़ रहे, इसे सुनाओ सुना ली, वो काम कुम नहीं करती कुछ, क्यों नहीं करती तू कुछ काम, बेकार तो देख तू तेरी भाभी की ऐसी हो रही हो ना, तेरी भाभी ला देती। अरे रुक जाओ तुम, अरे रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम, इसे तो नाली को सुधारूंगा मैं आज। हाँ क्या हो गया, अरे रुको तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, क्या कर रही सुना तो, ए मम्मी भूख लग रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया ना मेरा। तो मम्मी सो देख भैया, सुन सुना ली, मम्मी लेटी हुई, अच्छा, तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। हाँ। है तो ये खुद भी तो ले सकते हैं ना, ये वो कहना, देखो इसकी भी गलत बात नहीं है, खुद भी ले सकते हैं प्रिंस, लेकिन ये है कि प्रिंस थक गया है, प्रिंस की भी गलती नहीं है, लग रहा थोड़ी पूजन पड़ जा रहा, वीडियो बना के रहा थोड़ा थक भी जा, तू तो गर्मी लेटी क्या कर रही तू। हां हम तो कुछ सुना ली, सब कुछ तो ही करे ए। अरे मैं इतने देर में ला भी देती हूं, अरे रुक जाओ तुम, बोला करो हमारे बीच में, ठीक है भाई मैं चुप रहूंगी अब। अरे तुम रुक जाओ यहीं बैठो, क्या मत तू, क्या भाभी को क्या कह रही तुमने, और भाभी को नहीं बोलना चाहिए हमारे बीच में, हमारी आपस की बातें हैं ना ये दो तीनों की, तो भाई भाभी को पागल लगा दे दे फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तेरी भाभी कुछ कह थोड़े नहीं रही, तू अपनी भाभी को भी कुछ कह रही, भाई हमारी आपस की बात है ये, तो भाभी को कह रही खाने ला खत मार के दम कर, इतने खाने ले गया मैं करू तुझे दे देना अभी, और सबसे दीवान सबसे लड़ ले बैठ के, हां लड़ूंगी दिमाग चला दिया अपना, तू भी चला ले, तेरी भाभी रो रही देख, वहां रो रही हूं और देखिए आंसू आ गए, मेरा भाई से कह दो इतने खाने के पीछे क्या हो गया, खाना ना खाऊं क्या, सुना ली भूखा है बात तो सुना ली, मैं दोनों लड़ी खुद ले गया, इतनी देर में तो लेके भी आ जाता तू, तो वहां बैठी वहां से दो मिनट लगे वहां से लिया, अरे तू तो मेरे को भी तो तीन मिनट लगेगी, तू भी लिया मेरे को एक मिनट लग गई, तो सुना ली क्या यार इसकी क्या है, वो मैं मम्मी तुम ला के दे दो, जब तुम जाओगे ना जब अच्छा लगेगा इसे, तू लड़ क्यों रही सबसे है, भाभी को कुछ कह रही हमारे में नहीं जो हमारे मतलब बोल लो ना, हां दो हमारे बीच में बात होगी ना, तो भाभी नहीं बोल सकती तेरी, नहीं क्यों नहीं बोल सकती,
क्यों नहीं बोल सकती भाई का हुआ है ना? तो भाभी समझाई तो रही, तेरी भाभी कुछ क्या थोड़े नहीं तुझे देखियो, तेरी भाभी देख रो रही है, वो रोने लगी भाभी तेरी। अरे भाई रोने की लग गए हैं। रो क्यों रहे हो? हैं? ज्यादा ही गुस्सा आ रहा। ट्यूशन पढ़ाती हो कि अपने बच्चों को दिखाइए तो बिल्कुल ही सॉरी बोल चल भाभी तो रोने लग गई। हम तो प्रैंक कर रहे हैं, मम्मी भी तो शामिल है इसमें। अरे हम तो प्रैंक कर रहे थे भाभी, हमारे से तो हुआ भी नहीं, और हमारे से तो हुआ भी नहीं। ये देखो क्या कर इसको, तो हंसी आ रही। ये मैंने कहा था इसको बोला सॉरी बोल दे, सॉरी कह रही सॉरी भाभी। भाई अगर जो हमने सोचा था अगर भाभी को वो बोल देते तो फिर तो बस भाभी रोज ने बोला नहीं बुला के सुना इसको बोला सॉरी बोल सॉरी भाभी। मैं कहती क्यों बोल लूं, क्यों करूं? लेकिन यार भाभी तो इतनी सी बात में रोने लग गई है ना। क्यों पता क्यों रोने लगी? और नहीं मैं वही तो कह रहा था कि तू कह रहा था कि तुम बोलो, अगर हम बोलते इतना ना होता। सोनाली की देखो कैसी रात बुरी लगी एकदम। हम तो करते रहे सबसे बड़ी एक्टिंग ऐसे ही बोलो तो मैं नहीं कर रहा हां तुम कुछ बोल ही नहीं देते बस। भाई ऐसे कैसे बोल ले, हंसी आ जाए। प्रैंक कर रहे हैं हम। प्रैंक सोनाली अभी जा खाना रखा मोर ले जा। हम तो देखिए हमने कल से प्लान किया था कल रात को शाम में ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं। इतनी प्योर हंसी आ रही यार। प्रैंक यार अच्छा चलता है, थोड़ा जल्दी कर दिया। ये भी तो मैं क्यों बोलूं सॉरी, ये बोल रहा ना मैं बोल रहा हूं कैरी बोलने की सॉरी सॉरी भाभी गुस्सा है ना सारा आज उतारना भाई जब है ही नहीं तो कैसे उतारू। हम पी रहे हैं चाय, लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं था भाई। आज सब कुछ खत्म हो चुका है। पापा ये एक पापा है इसने खत्म कर दिया सारा कुछ। रखे वो नमक वाले। हाँ बोलिया। और आपको पता है एक बार सोनाली और युषा की लड़ाई हुई थी आज? अच्छा युषा रोने लगी, इन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया। अच्छा प्रैंक कर रहे होंगे। चलता है बता दिया। मैं तो पापा का रिएक्शन लेता आज के लिए चल रहा हूँ। लड़ाई हो जा भाई भाई। सोनाली सुन सोनाली ने कुछ नहीं किया वैसे, इसके बस कहीं नहीं है भाई। फ्रैंक तो मैं करूंगा तेरी मम्मी के साथ ही तो मम्मी भी कर दे क्या करेगी, कहाँ जाएगी छोटे को कहीं भी भाई का जाएगी। हमने भाई मम्मी आज इमोशनल हो रही है, मम्मी पता नहीं क्या क्या बोल रहे क्या बोल रहे।
खुशी की आज मम्मी भाई बहुत इमोशनल हो गया, पता नहीं क्यों। हम वीडियो देख रहे थे, मम्मी का मन भरा है, कहती मैं अपने बच्चों के लिए जाती हूँ मंदिर, तुम्हारे लिए जाती हूँ। क्या बात है, खूब नाम कमाए, अपने परिवार का नाम बढ़ाए। तुम क्या करोगे भाई अपने बच्चे के लिए? मैं भी दुआ करूंगी, और क्या करूंगी, ये दुआ करेंगे कि बच्चा चुप हो जाओ। तू कम बोले, आज तूने अपनी भाभी को रोया। तूने कहा था क्या कहा था? प्रैंक करेंगे भाभी के ऊपर करेंगे, जो तेरे पे हुआ नहीं, सॉरी भाभी।